किसानों की मदद करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले ड्रोन के नाम से लगता था कि यह सेना से जुड़ी कोई व्यवस्था है या दुश्मनों से मुकाबला करने के उपयोग में आने वाली चीज है, लेकिन अब यह 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को पार्टी का फिर से राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पार्टी महासचिव को लेकर अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के नाम का ऐलान किया। इसके अलावा पार्टी की नई टीम के लिए कई पुराने समर्थकों को भी जगह दी गई। पुलिस और सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम की आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। कश्मीर जोन के पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया, बाकी आतंकवादियों की तलाश जारी है। बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर आग लगने की खबर आई है। आग स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगी में लगी है। गनीमत रही कि जब हादसा हुआ तब उसमें कोई सवार नहीं था। फिलहाल आग बुझाने का काम तेजी से जारी है। स्टेशन पर मौजूद लोग पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 20,000 के पार आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 22,270 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 60,298 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 325 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 42,22,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 98,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10.42 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन पर हमला करने की रूस की पूरी तैयारी हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टेलीविजन संबोधन में यह दावा किया। उन्होंने सहयोगी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत के बाद कहा कि हमारे पास रूस की तैयारी के बारे में पुख्ता खुफिया सूचनाएं मौजूद हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रही 3 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में विराट कोहली नहीं खेलेंगे। वह बायो बबल से हट चुके हैं। BCCI ने उन्हें छुट्टी दे दी है। श्रीलंका के खिलाफ 24 फरवरी से शुरू हो रही T20 सीरीज में भी उनको रेस्ट दिया जा सकता है। कोहली अब सीधे श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मैदान पर वापसी कर सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में अब ठंड का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दोपहर में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। वहीं अब मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश और बादल छाए रहने के अनुमान जाहिर किए हैं। IMD के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं हिमाचल में एक बार फिर से बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में आज 19 फरवरी 2022 को कोई बदलाव नहीं किया है। देश के कई राज्यों में अभी भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर चल रहे हैं। देश में पेट्रोल डीजल के दाम अभी भी आम आदमी के जेब पर असर डाल रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में आग लगी हुई है। इसके दाम 7 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं।